हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ बंसल वन, जो कि रानी कमलापति स्टेशन के पास है। तो यहाँ पे है आज का अपना ओपन माइक शब्दे मैनिया, जो कि AKP के प्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आपको भी ले चलते हैं अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिए, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप फॉलो कर लीजिए। तो यहां पे आ गया हूं अंदर मैं, और यहां पे अभी तैयारियाँ चल रही है, सेट लग रहा है यहां पे, ये ओपन माइक के लिए। देखिए, यहां पे कैमरा वैमरा लग चुका है, सेट रेडी हो रहा है। और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये बंसल वन में अंदर ये रास्ता रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये इवेंट। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आकर अच्छा लगा यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, और वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक आप लोग को शेर व शायरी सुनने को मिलने वाली है, मज़े आने वाले हैं बहुत सारे। तो चलिए, यहाँ पे दोस्त आ गए हैं अपने, और आप लोग को भी मिलाते हैं अपने दोस्तों से और दिखाते हैं यहाँ का माहौल। तो दोस्तों, अभी हम लोग वॉशरूम में आए हैं, कहां पे रहते हैं, यहां का माहौल दिखाते हैं। हमारे जितने भी शायर हैं वो फ्रेश होने के लिए आए हैं गाइस। तो चलिए, रेस्ट रूम में ही कुछ हो जाए, दो लाइन में ये देशांतर भाई कुछ सुना दीजिए, सुना दीजिए कुछ। मैंने एक बहुत ज्यादा गाली है, आप ही सुना रहे हैं, कुछ नहीं है सर। हम रह गए रिश्ते निभाते निभाते, और लोग वहाँ नहीं आए। क्या बोला तूने? इरादे में नेक नहीं है तुम्हारे, इरादे में मेरी ऑडियंस इधर बैठी हुई है, आदिल भाई इधर बैठे हुए हैं, परफॉर्म करके आ गए हैं आदिल भाई। हां भाई, ये बोल रहे हैं, नए मल्लाहों को भ्रम है कि वो सब तैराक हैं। क्या बात, नए मल्लाहों को भ्रम है कि वो सब तैराक हैं। उसकी आंखों में जाकर देखो, तुम जैसे न जाने कितने डूब गए। क्या बात है, बहुत क्या भाई, ये बढ़िया था वो। लगता करता नहीं कभी, लेकिन मैं हूँ जो जमाने को अपना अपना लगता है, और बड़ा हसीन होता है दिन का बाप। हाँ, बड़ा हसीन होता है दिन का बाप, एक अचूरा बाप अपने भी सजा रखता है।